चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, एक आदमी एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने इसे 5% कम कीमत पर खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य बताइए। तो देखिए, अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास में लागत मूल्य 100 रुपये था, तो वो उसको कितने बेच रहा था पहले? 5% के प्रॉफिट पे। तो यानी कि इसका 5% निकालूंगा तो 5 रुपये आएगा, और 5 रुपये इसमें जोड़ूंगा तो मैं कितना आएगा? 105 में बेच रहा था, बट वो कह रहा है कि उसने इसको खरीदा 5% कम पे। तो इसका 5% निकालूंगा तो 5 रुपये आएगा, और इसमें से 5 रुपये माइनस करूंगा तो 95 रुपीज़ में पे मैं इसे खरीदा होगा। अब कह रहा है, कह रहा यदि कम में खरीदा होता तो 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। यानी कि 2 रुपये कम पे बेचा तो 10% का लाभ होता। तो मेरे पास न्यू वाला कोस्ट प्राइस तो मेरे को दे रखा 95, और 95 का मैं 10% निकाल के इसमें जोड़ूंगा तो अच्छा, मैं इसका 110/100 कर लेता हूँ। इससे कटेगा तो आपका 95 * 95, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 4, और ये आपका 10, और यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। यानी कि वो इसे बेचेगा 104.5 रुपीज़ में। किस में बेचेगा इसे? 104.5 रुपीज़ में बेचेगा। और जैसे आप पहले बेच रहा था इसमें और अब बेच रहा इसमें, तो मैंने इन दोनों का अंतर देखा, तो अंतर कितना आ रहा है? 0.5 रुपीज़ का आ रहा है। जबकि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अंतर जो आना चाहिए वो कितना? 2 रुपये का आना चाहिए, बट यहाँ तो 0.5 का है। तो इस अंतर को मुझे 2 के इक्वलेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी तो ये एज्यूमिंग वैल्यू है। तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करें उससे आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, यानी कि 400 रुपये। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझिए कि उसने कहा था 100 रुपये की चीज़ को वो 105 रुपये बेच रहा है, फिर कह रहा है उसे 5% कम में खरीदा होता है। यदि उसे 2 रुपये कम में, यानी कि इसमें से अगर 2 रुपये माइनस करते तो उसे वो कितने का प्रॉफिट होता? उसे 10% का प्रॉफिट होता। तो इसमें से तो मैं डायरेक्ट माइनस कर नहीं सकता, क्योंकि सारी मेरी वैल्यू अज्यूमिंग है। इसीलिए मैंने क्या किया, इसका 5% कम निकाला तो कितना? 95 हो गया। अब वो बेच कितने में रहा है? 104.5 में बेच रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 0.5 रुपीज़ कम का आ रहा है। जबकि होना कितना ये चाहिए? 2 रुपये का। तो इस 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।